आप देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस सच का साथी। सियासत की सुगबुगाहट दिखाएंगे, हुकूमत की हकीकत दिखाएंगे, खेल के मैदान से जुर्म के निशान तक जाएंगे, आस्था की सीढ़ी पर ले चलेंगे, घोटालों की पर्दे खड़वाएंगे, हर शहर हर गली हर मोहल्ले तक जाएंगे, खबर छोटी हो या बड़ी आपको रूबरू कराएंगे, देवों की भूमि की हर खबर, संस्कृति की पहचान की हर हलचल, राजनीति के गलियारों से कानून के पहरेदारों तक, किसान के खेतों से अधिकारियों के बहानों तक, हर खबर हर पहलू को दिखाने जल्द आ रहा है हिमाचल एक्सप्रेस। शक्ति पीठों के नाम से विख्यात जिला कांगड़ा में जहां अनेक मां भवानी के प्राचीन मंदिर एवं शिवालय विद्यमान हैं, वहीं पर पालमपुर जयसिंहपुर सड़क पर खैरा गांव में माता सती सुनियारी का मंदिर असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार माता सुनियारी सन 1772 में इस स्थान पर अपने पति सुनियार के साथ चिता में जलकर सती हुई थी। ये दंपति खैरा के साथ गांव सुनियार खोला में रहते थे, जो आज भी इसी नाम से प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्ष 1772 में जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इस स्थान पर लाया गया, जहां आज माता सुनियारी की देहरी विद्यमान है। माता सुनियारी निसंतान थी और जब वो अपने पति को गोद में लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई तो चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। माता सुनियारी ने चिता पर बैठकर कहा कि जो पुरुष उनके स्वर्गीय पति की चिता को मुख्य अग्नि देगा वो उसे मनचाहा वरदान देंगी। माता की बात सुनकर खैरा के मियां जयमल सिंह कटोच, जो कि स्वयं भी निसंतान थे, उन्होंने मुख्य अग्नि देना स्वीकार कर लिया। जैसे ही मियां जयमल सिंह कटोच ने चिता को अग्नि दी तो माता सुनियारी ने उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री पैदा होने का वरदान दिया। माता सुनियारी ने मियां जयमल सिंह कटोच से आग्रह किया कि वो इसी दिन ज्येष्ठ माह के नौवे परविष्टे अगले वर्ष इस स्थान पर छिंज मेले का आयोजन अवश्य करें। माता सुनियारी के वरदान से अगले वर्ष मियां जयमल सिंह कटोच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ माँ सुनियारी का पहला छिंज मेला साल 1773 के ज्येष्ठ माह के नौवे प्रविष्ट को आयोजित किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। नमस्कार, मैं प्रिंस मेहरा, सीएमडी हिमाचल एक्सप्रेस, आप सबका माँ सती सुनियारी मेले में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। सुनियारी मेले के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। मेले के ऊपर मैं सभी गांववासियों को हार्दिक बधाई भी शुभकामनाएं देता हूं। सुनियारी मेला जो है बड़ा प्राचीन मेला है जिसमें लोगों की भावना जुड़ी हुई है और गांववासी खैरा वाले जो हैं इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये मेला 4-5 दिन का चलता है। इसमें खेल प्रतियोगिता भी होती हैं, वॉलीबॉल की टीमें बड़ी दूर दूर से आती हैं, लोगों का मनोरंजन करती हैं और इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। मैं राजीव कटोच, प्रधान सुनियारी माता मंदिर कमेटी, अपनी सबसे अपने जो हमारे सदस्य हैं कमेटी के उनकी तरफ से आप सभी का माँ सुनियारी मेले के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कैप्टन दिलीप चंद्र राणा, सती माँ सुनियारी माता की कमेटी का उप प्रधान होने के नाते मेले की पवन बेला पर समस्त इलाका वासियों का इस मेले में पधारने पर
हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदन करता हूँ और माँ न्यारी से यह प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों का मंगलमय करे। धन्यवाद। मैं संसार चंद धीमान सचिव सती माँ सुनहरी मंदिर खैरा मैं अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से मेले में समस्त गांव वासियों व बाहर से आए हुए लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर रविदास शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत खैरा समस्त इलाका वासियों को सती माता सुनहरी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया मेले में शांति व्यवस्था कायम रखें। धन्यवाद। मैं पंचायत सचिव रमेश चंद ग्राम पंचायत खैरा सती माता मेला जिसका आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी इलाका वासियों को यहाँ पधारने पर उनका अभिनंदन करता हूँ और सती माता सभी जो इस मेले में या माता के दर्शन हेतु पधारेंगे, माता उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं मंजीत वालिया उपप्रधान ग्राम पंचायत खैरा सती मेला सन्यारी मैं आप सबका अपनी तरफ से और अपने गाँव वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बालापट अजय धीमान अपनी तरफ से सती माँ सुनहरी मेले का पावन मेला पर समस्त इलाका वासियों को इस मेले में पधारने का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और माँ सुनहरी में ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों का मंगलमय हो। मैं संजय व्यास ग्राम पंचायत छैंछड़ी उपप्रधान सती माता सुनहरी मेले में पधारने के लिए समस्त इलाका वासियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं जगजीवन पाल पूर्व विधायक और सीपीएस सुलह चुनाव क्षेत्र आने वाले समय में जो मेला सुनहरी माता के नाम से खैरा में मनाया जाता है उसके लिए खास करके खैरा के भाइयों बहनों नौजवानों को और सारे सुलह चुनाव क्षेत्र के लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। तो मेले का पूरा आनंद उठाएं, मेले आपस में लोगों का भाईचारा इससे प्रकट होता है, प्यार बढ़ता है, मिलना जुलना बढ़ता है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि मेला सफल हो। मैं मंगल में ब्यास पंचायत सदस्य वायदापाट छैंछिलाट सती माता सुनहरी के मेले पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अरुण टॉप जेई पीडब्ल्यू खैरा सती सुनहरी मेले में सभी इलाका वासियों का पधारने का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं सुजीत राणा वर्क इंस्पेक्टर पीडब्ल्यू खैरा सुनहरी माता के मेले में समस्त इलाका वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दीपराज मेहरा मरियाड़ा निवासी हूँ और पीडब्ल्यू में रेस्ट हाउस में खैरा में नौकरी करता हूँ और सुनहरी माँ के मेले में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं मयंक शर्मा कनिष्ठ अभियंता अनुभाग विद्युत खैरा से सभी इलाका वासियों का सुनहरी मेले में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं पम्मी देवी वन रक्षक खैरा बीट ग्राम पंचायत खैरा में सती मंदिर माता सुनहरी देवी जी के मेले में पधारने के लिए सभी इलाका वासियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं यशपाल राणा ब्रांच मैनेजर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाहिदापट मैं अपनी तरफ से व अपने
ऑर्गेनाइजेशन कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की तरफ से जो मेला सुनियारी माता का होने जा रहा है उस पर मैं सभी गाँव वासियों का हिमाचल एक्सप्रेस के माध्यम से आपका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं राजेश कुमार सहायक प्रबंधक केसीसी बैंक वायदा पट आप सभी का सती माता सुनियारी देवी जी के मेले में आप सबका और समस्त हम अपने ग्राहकों का सभी लोगों का मेले में हिमाचल एक्सप्रेस से माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। मैं ओम प्रकाश ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खैरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और अपने सभी ग्राहकों की तरफ से सती माँ सुनियारी मेले के शुभ अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। शक्ति पीठों के नाम से विख्यात जिला कांगड़ा में जहां अनेक मां भवानी के प्राचीन मंदिर एवं शिवालय विद्यमान हैं, वहीं पर पालमपुर जयसिंहपुर सड़क पर खैरा गांव में माता सती सुनियारी का मंदिर असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार माता सुनियारी सन 1772 में इस स्थान पर अपने पति सुनियार के साथ चिता में जलकर सती हुई थी। ये दंपति खैरा के साथ गांव सुनियार खोला में रहते थे जो आज भी इसी नाम से प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्ष 1772 में जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इस स्थान पर लाया गया जहां आज माता सुनियारी की देहरी विद्यमान है। माता सुनियारी निसंतान थी और जब वो अपने पति को गोद में लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई तो चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। माता सुनियारी ने चिता पर बैठकर कहा कि जो पुरुष उनके स्वर्गीय पति की चिता को मुख्य अग्नि देगा वो उसे मनचाहा वरदान देंगी। माता की बात सुनकर खैरा के मियां जयमल सिंह कटोच जो कि स्वयं भी निसंतान थे उन्होंने मुख्य अग्नि देना स्वीकार कर लिया। जैसे ही मियां जयमल सिंह कटोच ने चिता को अग्नि दी तो माता सुनियारी ने उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री पैदा होने का वरदान दिया। माता सुनियारी ने मियां जयमल सिंह कटोच से आग्रह किया कि वो इसी दिन ज्येष्ठ माह के नौवे परविष्टे अगले वर्ष इस स्थान पर छिंज मेले का आयोजन अवश्य करें। माता सुनियारी के वरदान से अगले वर्ष मियां जयमल सिंह कटोच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ माँ सुनियारी का पहला छिंज मेला साल 1773 के ज्येष्ठ माह के नौवे प्रविष्ट को आयोजित किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं राजेंद्र कुमार मैसर राजेंद्र जनरल स्टोर खैरा की ओर से आपका माता सती सुनियारी मेले में पधारने के लिए सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। मैं सुवीन कुमार मोनू फर्नीचर हाउस खैरा की तरफ से एवं पूरे गाँव वासियों की तरफ से माँ सुनियारी मेले की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रवीण चंद्र राणा देव एंटरप्राइजेस छेंचड़ी की तरफ से सती माता सुनियारी मेले में पधारे हुए समस्त इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कुलजीत व्यास प्रिंसिपल सोन पब्लिक स्कूल खैरा आप सभी का माता सुनियारी मंदिर खैरा मैम पधारने पर आपका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सती माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन्यवाद। मैं अमित कुमार दसवीं कक्षा में 10th क्लास में सोहम पब्लिक स्कूल में टॉप किया है। मैं सती माता सुनियारी मेले में आने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विजय अवस्थी मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला लोअर खैरा सुनियारी मेला सती माता के उपलक्ष्य पर समस्त खैरावासियों को और उसके आसपास सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इलाके की बेहतरी के लिए मैं सुनियारी माता से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों का वो मंगल करें। मैं निकेत, मैंने 10th क्लास में प्रथम स्थान हासिल किया है और मैं अपनी तरफ से इलाका वासियों को सती माता सुनियारी मेले में आपका स्वागत करता हूँ। मैं
सरवण कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा, अपनी ओर से, अपने बच्चों, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों की ओर से, अध्यापक वर्ग से और उन बच्चों के अभिभावकों की ओर से हिमाचल एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको माँ सुनियारी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मीना रानी, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा, माँ सुनारी माता के मेले के शुभ अवसर पर स्टाफ और सभी बच्चों की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अशोक ठाकुर, कार्यक्रम अधिकारी NSS यूनिट गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा, अपने यूनिट NSS यूनिट की तरफ से और समस्त स्टाफ की तरफ से माँ सती सुनियारी मिलने के माता मिलने के अवसर पर सभी इलाकावासियों के और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे जो भी आयोजन सती सुनियारी मिलने माता मिलने का होता है उसकी सभी को मैं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विजय नाग, प्रधान SMC गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा। मैं अपनी और अपनी SMC कमेटी व स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों की तरफ से माँ सती सुनियारी मेले पर सभी का पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी और अपने SMC कमेटी की तरफ से हिमाचल एक्सप्रेस के चैनल को बहुत आभार करता हूँ प्रकट, क्योंकि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। और मैं माता सती सुनियारी से मांग करता हूँ कि माँ भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सदा सदा सभी को सुखी रखें। धन्यवाद। मैं विनायक शर्मा, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा का 12वीं कक्षा का नॉन मेडिकल का छात्र हूँ। मैंने 500 में से 469 अंक लेकर स्कूल में टॉप किया है। मैं सभी लोगों का सती माता सुनारी मेले में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अंशिका, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th क्लास में 670 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 700। मैं सभी लोगों का माता सुनियारी माता के मेले में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सिमरलता, CHD गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरा भिंग। सती माता सुनियारी मेले में समस्त खैरा वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस, सच का साथी। सियासत की सुगबुगाहट दिखाएंगे, हुकूमत की हकीकत दिखाएंगे, खेल के मैदान से जुर्म के निशान तक जाएंगे, आस्था की सीढ़ी पर ले चलेंगे, घोटालों की परते खड़वाएंगे, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक जाएंगे, खबर छोटी हो या बड़ी आपको रूबरू कराएंगे, देवों की भूमि की हर खबर, संस्कृति की पहचान की हर हलचल, राजनीति के गलियारों से कानून के पहरेदारों तक, किसान के खेतों से अधिकारियों के बहानों तक, हर खबर, हर पहलू को दिखाने जल्द आ रहा है हिमाचल एक्सप्रेस। कटोच ग्राम के अंदर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 16 कंस्टिट्यूंसी। मैं ऐतिहासिक गांव खैरा में माँ सती सुनियारी के मेले के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि श्री विपिन सिंह परमार जी और गांव वासियों का तथा दूर दूर से आए हुए सभी माताओं बहनों और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं तथा माता सुनियारी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी को सुख समृद्धि दे और तंदुरुस्त रखे तथा खुश भरपूर खुशियां प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सुला। मैं मनदीप अवस्थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा सुला मंडल की तरफ से खैरा में माता सुनियारी मेले में पहुंचने पर आप सभी इलाका वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं प्रधान CAS खैरा सहकारी सभा कमेटी का सुनियारी माता के मेले पर आप सबका पधारने का धन्यवाद करता हूं। मैं जगदेव चंद कटोच, प्रधान कटोच बिरादरी खैरा, माता सुनियारी मेला के पावन अवसर पर समस्त इलाका वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं व धन्यवाद करता हूं। मैं बलविंदर सिंह कटोच, जनरल सेक्रेटरी जनरल
जनक सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट खैरा का समस्त इलाका वासियों को यहाँ पर वॉलीबॉल मैचों के लिए हार्दिक आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये 75वां टूर्नामेंट इस वर्ष हम मनाने जा रहे हैं जो कि डायमंड जुबली के रूप में मनाया जाएगा और इसमें दूर दूर से बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं। 24 मई 2018 को इसका शुभारंभ जो है कर्नल राजेंद्र सिंह कटोच जो कि सुपुत्र मेजर जनरल जनक सिंह कटोच जी के उद्घाटन करेंगे और 26 मई को सायं श्री विपिन सिंह परमार जी यहां इसका समापन समारोह में भाग लेंगे। मेरा सभी समस्त जनता से और इलाका वासियों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में आकर के इसकी शोभा बढ़ाएं और माँ सुनारी के इस प्रांगण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदीप कटोच बूथ नंबर 80 बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। मैं सुनारी माता के मेले के शुभारंभ पे आपका पूरे गांव वासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मैं विनोद कुमार स्थानीय निवासी गांव खैरा सुनारी मेले के उपलक्ष्य में गांव वासियों का इस मेले में आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शक्ति पीठों के नाम से विख्यात जिला कांगला में जहां अनेक मां भवानी के प्राचीन मंदिर एवं शिवालय विद्यमान हैं, वहीं पर पालमपुर जयसिंहपुर सड़क पर खैरा गांव में माता सती सुनियारी का मंदिर असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार माता सुनियारी सन 1772 में इस स्थान पर अपने पति सुनियार के साथ चिता में जलकर सती हुई थी। ये दंपति खैरा के साथ गांव सुनियार खोला में रहते थे जो आज भी इसी नाम से प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्ष 1772 में जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इस स्थान पर लाया गया जहां आज माता सुनियारी की देहरी विद्यमान है। माता सुनियारी निसंतान थी और जब वो अपने पति को गोद में लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई तो चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। माता सुनियारी ने चिता पर बैठकर कहा कि जो पुरुष उनके स्वर्गीय पति की चिता को मुख्य अग्नि देगा वो उसे मनचाहा वरदान देंगी। माता की बात सुनकर खैरा के मियां जयमल सिंह कटोच जो कि स्वयं भी निसंतान थे उन्होंने मुख्य अग्नि देना स्वीकार कर लिया। जैसे ही मियां जयमल सिंह कटोच ने चिता को अग्नि दी तो माता सुनियारी ने उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री पैदा होने का वरदान दिया। माता सुनियारी ने मियां जयमल सिंह कटोच से आग्रह किया कि वो इसी दिन ज्येष्ठ माह के 9वें परिविष्टे अगले वर्ष इस स्थान पर छिंज मेले का आयोजन अवश्य करें। माता सुनियारी के वरदान से अगले वर्ष मियां जयमल सिंह कटोच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ माँ सुनियारी का पहला छिंज मेला साल 1773 के ज्येष्ठ माह के 9वें प्रविष्ट को आयोजित किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं सन्नी दीमान हिमाचल एक्सप्रेस रिपोर्टर खैरा, मैं आप सबका सती माता सुनियारी मेले में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, हिमाचल एक्सप्रेस से मैं कविता रिपोर्टर पालमपुर से आज सुनारी माता मंदिर में सब क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माँ सुनियारी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। सती सुनियारी मेले को लेकर समस्त जनता व क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संदीप शर्मा पत्रकार भवाना से। मैं विनोद कटोच पत्रकार अमर उजाला खैरा। सती माँ सुनियारी मेले के शुभारंभ अवसर पर इलाका वासियों को अमर उजाला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं संदीप सूद दिव्य हिमाचल रिपोर्टर खैरा अपनी दिव्य हिमाचल परिवार की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों व हिमाचल एक्सप्रेस टीम को माँ सुनियारी मेले के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ सुनियारी। नमस्कार, मैं ऋषिराज रोहित दैनिक जागरण से पत्रकार खैरा में हो रहे माँ सुनियारी मेले की तरफ से
सबको बधाई देता हूँ। अपनी व दैनिक जागरण की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। मेलों से आपसी प्यार सौहार्द जो है वो गांव का बड़ा होता है, और सुनियारी मेला जो है वो बहुत प्राचीन समय से जो है वो यहाँ पर खैरा में चल रहा है, जो शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं सभी गाँव वासियों, आस पास के जो भी क्षेत्र के लोग उसमें भाग लेते हैं, आते हैं, और आपसी मेल जोल जो है वो आपसा उनका बढ़ता है, उसके लिए मैं उन सबका सबको बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस, सच का साथी। सियासत की सुगबुगाहट दिखाएंगे, हुकूमत की हकीकत दिखाएंगे, खेल के मैदान से जुर्म के निशान तक जाएंगे, आस्था की सीढ़ी पर ले चलेंगे, घोटालों की परतें खड़वाएंगे, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक जाएंगे, खबर छोटी हो या बड़ी आपको रूबरू कराएंगे, देवों की भूमि की हर खबर, संस्कृति की पहचान की हर हलचल, राजनीति के गलियारों से कानून के पहरेदारों तक, किसान के खेतों से अधिकारियों के बहानों तक, हर खबर हर पहलू को दिखाने जल्द आ रहा है हिमाचल एक्सप्रेस। शक्ति पीठों के नाम से विख्यात जिला कांगला में जहां अनेक मां भवानी के प्राचीन मंदिर एवं शिवालय विद्यमान हैं, वहीं पर पालमपुर जयसिंहपुर सड़क पर खैरा गांव में माता सती सुनियारी का मंदिर असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार माता सुनियारी सन 1772 में इस स्थान पर अपने पति सुनियार के साथ चिता में जलकर सती हुई थी। ये दंपति खैरा के साथ गांव सुनियार खोला में रहते थे, जो आज भी इसी नाम से प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्ष 1772 में जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इस स्थान पर लाया गया, जहां आज माता सुनियारी की देहरी विद्यमान है। माता सुनियारी निसंतान थी, और जब वो अपने पति को गोद में लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई तो चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। माता सुनियारी ने चिता पर बैठकर कहा कि जो पुरुष उनके स्वर्गीय पति की चिता को मुख्य अग्नि देगा, वो उसे मनचाहा वरदान देंगी। माता की बात सुनकर खैरा के मियां जयमल सिंह कटोच, जो कि स्वयं भी निसंतान थे, उन्होंने मुख्य अग्नि देना स्वीकार कर लिया। जैसे ही मियां जयमल सिंह कटोच ने चिता को अग्नि दी तो माता सुनियारी ने उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री पैदा होने का वरदान दिया। माता सुनियारी ने मियां जयमल सिंह कटोच से आग्रह किया कि वो इसी दिन ज्येष्ठ माह के नौवे परविष्टे अगले वर्ष इस स्थान पर छिंज मेले का आयोजन अवश्य करें। माता सुनियारी के वरदान से अगले वर्ष मियां जयमल सिंह कटोच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ माँ सुनियारी का पहला छिंज मेला साल 1773 के ज्येष्ठ माह के नौवे प्रविष्ट को आयोजित किया, और ये सिलसिला आज भी जारी है।